अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले आपको दिखाइए जी गंदम की कटाई, और आज थ्रेशिंग का दिन है जिसे हम अपनी ज़बान में गाह बोलते हैं। आज गाह होने लगा है, ये देखिए पीछे गड्डियाँ पड़ी हुई हैं और इकट्ठी भी हो रही हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि थ्रेशर मशीन कैसे वर्क करती है। तो अभी फ़िलहाल आप गड्डियाँ इकट्ठी हुई देखें। कुछ ऐसे है कि ये गड्डियाँ जो हैं बिखरी पड़ी होती हैं अपनी अपनी जगह, जहाँ से काटी जाती है वहाँ अपनी अपनी जगह पड़ी होती हैं। लेकिन जब थ्रेशिंग मशीन आती है उससे पहले इन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है, ताकि जाके दूर दूर से लानी ना पड़े, एक जगह पड़ी हो इसका एक ढेर लगा लेते हैं इस तरह। यहाँ थ्रेशर खड़ी होगी आके और आसानी से इसमें डालते जाएंगे और काम होता जाएगा। ये आप ढेर देख सकते हैं पीछे लगा हुआ। इस तरफ से गड्डी डालते हैं, ठीक है। ये देख, ये चलता है इसमें अंदर, इस तरफ से दाने आते हैं, ठीक है। और ये भूसा इस तरफ फेंकता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें दोस्तों, ये थी जी थ्रेशर मशीन। मैंने आज जिसमें आपको बताया वो कैसे काम करती है, आप भी अपने दोस्तों से शेयर करें जिन्हें इस चीज़ के बारे में नहीं पता, और जिस भाई का मेरी तरह गुजरा है लॉकडाउन वो भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उन्हें बताएँ कि हमारा लॉकडाउन ऐसे गुजरा है। इसी के साथ मैं भी लेता हूँ आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।